नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जो केजरीवाल ने बात छेड़ी थी, लग रहा है कि अब वो सच साबित हो रहा है और लखनऊ से दिल्ली तक ये खबर फैल रही है कि तीसरी बार सरकार बनते ही योगी यूपी छोड़ मोदी के मंत्री बन जाएंगे और वो भी कोई हल्का मंत्रालय नहीं बल्कि रक्षा मंत्री बनेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि जो केजरीवाल ने कहा था वो बात कुछ हद तक सही निकल रही है। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनारस से पर्चा दाखिल कर दिया और हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। बस एक औपचारिकता है कि ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सभी जानते हैं कि जीत नरेंद्र मोदी की ही होगी। तो उधर अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि 5 साल होने के बाद जो चुनाव होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा, मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और कंफ्यूजन के शिकार लोगों को पूरे होशो हवास में कहा कि 2029 में भी बीजेपी के चुनाव कैंपेन का नेतृत्व मोदी ही करेंगे। तो अब ये क्लियर हो जाता है कि मोदी ही 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो सवाल आज भी कायम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का निशाना सटीक और सही जगह लगा है। बात दरअसल ये है कि तिहाड़ से छूटते ही अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बम फोड़ा कि बीजेपी में खलबली मच गई। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो सुन लिया आपने कैसे अरविंद केजरीवाल ने फंसा लिया और कैसे अब बीजेपी जवाब देते फिर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शाह और योगी खेमा अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं और ये शह मात का खेल जारी है और इस पर वेट एंड वॉच का खेल आरएसएस देख रहा है। लेकिन अब कंफर्म हो गया कि ना योगी ना शाह, बस 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और उनके अंडर योगी और शाह काम करेंगे। इसके ही साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस बार रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ को इसलिए बनाया जा रहा है कि पीओके को वापस लाया जा सके और जो बात केजरीवाल कह रहे थे वो सही साबित हो सकती है। और कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद मोदी शपथ लेंगे और योगी आदित्यनाथ और शाह मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ योगी समर्थकों से कैसे निपटा जाए और यूपी की जनता को कैसे मनाया जाए ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी को लेकर आरएसएस कोई विरोध या वीटो तो नहीं करता। ये सारे फैसले चुनाव बाद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, जो आरएसएस भी जानता है वो मोदी का कद। मोदी का कद आज की तारीख में आरएसएस से बड़ा हो चला है और इस समय मोदी आरएसएस को कुछ नहीं समझ रहे। इसीलिए आरएसएस दुखी है और वेट एंड वॉच की मुद्रा में है कि कैसे मोदी कमजोर हो तो उनके पर कतरे जाएं। लेकिन जनता के रुझान बता रहे हैं कि मोदी अगले 5 साल और अपनी मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि जनता आशीर्वाद भर भर कर दे रही है। इसके साथ ही साथ योगी को हटाकर मोदी एक छत्र शक्तिशाली सत्ता पर निरंकुश काम करना चाहते हैं। देखना होगा 4 जून को क्या नतीजे देश के सामने आते हैं और कौन प्रधानमंत्री बनता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी अभी मैं, मेरी पत्नी, भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंगबली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, उन्हें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, दो राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया, उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में, सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है, वो खुद भी मानते हैं।